हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम बात करेंगे ओनासा कंज्यूमर स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मंथली चार्ट देख लें एक बार। मंथली चार्ट पर आपको स्टॉक में RSI दिखाई नहीं देगी क्योंकि 14 महीने की कैंडल स्टॉक में अभी नहीं बनी है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9 महीने हुए हैं। 14 महीने की कैंडल बनेगी तब आपको RSI नजर आएगी मंथली चार्ट पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मंथली चार्ट पर, ठीक है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट पर आपको RSI नजर आएगी, RSI ऊपर है 60 के, यानी कि स्टॉक बुलिश है। ओके, बात करें डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आपको मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर स्टॉक आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे देखा आपने कि स्टॉक ने मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर के स्टॉक धीरे धीरे चला, अब फिर से स्टॉक सपोर्ट लेकर के अब ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपको एक लेवल है, रेजिस्टेंस है, जो कि है 502 रुपये का, जो कि आज का भी हाई है, लगभग आज का हाई भी है, वहीं पर टच किया है। तो कहने का मतलब यह है जल्द ही स्टॉक में ब्रेकआउट होने की संभावना है। संभावना है कि इस मंथ में ही ब्रेकआउट स्टॉक में हो जाए और आपको बड़ा टारगेट यहां पर मिल सकता है। टारगेट कितना मिल सकता है? तो यहां पर आपको लगभग 40% तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि हम कहें आपका जो अगला जो टारगेट होगा वो लगभग 650 रुपए के समथिंग होने वाला है, ठीक है। 650 रुपए तक का आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। साफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कप बनाया है स्टॉक ने और इसका ब्रेकआउट होने की तैयारी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।